हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सबके बहुत करीब है, और वो है हमारी ब्रा। हमें ब्रा का साइज़ मेजर कैसे करना चाहिए, हमें कैसे चेक करना चाहिए कि जो ब्रा हमने पहनी है वो सही है, कौन से कपड़ों के अंदर हमें कौन सी ब्रा पहननी चाहिए, और ब्रा को ख़रीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। अफसोस की बात यह है कि हमें सर्वेज ये बताते हैं कि 80% लेडीज गलत ब्रा साइज पहनती हैं। तो एक राइट ब्रा साइज को निकालने के लिए हम उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे खुद घर में अपने आप कर सकती हैं। आपको चाहिए सिर्फ एक मिरर और एक मेजरिंग टेप। तो सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है शीशे के सामने और मेजर करना है अपने बैंड को इस पिक्चर की तरह। अगर आपका बैंड साइज आता है किसी इवन नंबर में, यानी कि 30, 32, 34, 36, 38 या 40, तो उसमें आपको प्लस करना है नंबर 4। तो अगर आपका बैंड साइज आया 32 तो आप उसमें प्लस करेंगी नंबर 4 तो वो हो जाएगा 36। इसका मतलब ये है कि आपका बैंड साइज हुआ  36। और अगर आपका बैंड साइज आता है किसी ऑड नंबर में, यानी कि 31, 33, 35, 37, तो आपको उसमें प्लस करना है नंबर 5। यानी कि अगर आपकी बैंड का साइज आया 31 तो आप उसमें प्लस करेंगे नंबर 5 को और आपके पास नंबर आ जाएगा 36। और इसके बाद अब आपको मेजर करना है अपने बस साइज को। आपको बिल्कुल सीधा खड़े रहना है, अपनी नेक को और आईज को मूव नहीं करना है, और स्ट्रेट मिरर में देखते हुए अपनी बस्ट को अपनी निप्पल के अराउंड मेजर करना है। और इस तरीके से मिल चुके हैं अब आपको दो नंबर, एक तो है आपका बस्ट का साइज और एक है आपका बैंड का साइज। तो अगर आपका बैंड का साइज था 32 और हमने उसमें प्लस किया 4 तो वो नंबर हमें मिलता है 36। और अगर आपकी बस्ट का साइज आता है 38 तो अब हमारे पास नंबर है बैंड साइज 36 और बस्ट साइज 38। और अब हम करेंगे बस साइज में से बैंड साइज को माइनस, यानी कि 38 के अंदर से 36 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है नंबर 2। और ये जो नंबर 2 है ये है आपका कप साइज, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर 2 का मतलब है कप साइज बी। तो जो आपकी ब्रा का साइज आपके सामने आया है वो है 36B। अगर ये डिफरेंस होता है 1 इंच से कम का तो आपका कप साइज होगा AA, और अगर आपका ये डिफरेंस है 1 इंचेस का तो आपका कप साइज है A, अगर ये डिफरेंस है 2 इंचेस का तो कप साइज है B, अगर ये डिफरेंस है 3 इंचेस का तो कप साइज है C, ये डिफरेंस है अगर 4 इंचेस का तो कप साइज है D, और अगर ये डिफरेंस है 5 इंचेस का तो कप साइज है DD, और अगर ये डिफरेंस है 6 इंचेस का तो कप साइज है DDD, या आप उसे F भी कह सकते हैं, और अगर ये डिफरेंस है 7 इंचेस का तो आपका कप साइज है G। तो आप लोगों ने देखा कि कितना इजी था एक राइट मेजरमेंट निकालना। और मेजर करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है वो ये कि एक लेडी अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर कम से कम 4 से 6 बार अपना ब्रा साइज चेंज करती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब जब हम हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं, जैसे कि पीरियड्स, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, मेनोपॉज या कोई भी और मेडिकल रीजन हो सकता है, तो आपका बस्ट साइज चेंज होता है। यहाँ तक कि अगर आप वेट गेन करते हैं या वेट लूज करते हैं तब भी आपका ब्रा का साइज चेंज होता है। तो साल में कम से कम एक बार आपको अपनी ब्रा का मेजरमेंट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और चलिए अब चेक कर लेते हैं कि आपने पहनी है राइट ब्रा या नहीं। तो अगर आपको लगता है आपकी ब्रा के अंदर आपकी बस्ट मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत ब्रा पहनी है। अगर आपके ब्रा का कप आपकी अपर चेस्ट तक आता है तो इसका मतलब भी ये है कि आपने गलत ब्रा पहनी है। अगर आपकी ब्रा में और आपके कप में एक गैप रहता है तो इसका मतलब भी ये है कि आपने गलत ब्रा पहनी है।
अगर आपकी ब्रा का बैंड पीछे की तरफ से ऊपर स्ट्रेच होता है तो इसका मतलब आपने गलत ब्रा पहनी है, और अगर आपकी ब्रा के स्ट्रैप बार बार गिर जाते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि आपने ब्रा का राइट साइज नहीं पहना है। और अगर आपकी ब्रा के स्ट्रैप आपके कंधों के ऊपर निशान छोड़ देते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि आपने राइट ब्रा नहीं पहनी है। और ब्रा को उतारने के बाद अगर आपको अपनी वेस्ट के ऊपर अपनी बैंड के निशान नज़र आते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि आपने करेक्ट ब्रा नहीं पहनी है। अगर आपको अपनी ब्रा को लास्ट हुक पर बंद करना पड़ता है तो इसका मतलब भी ये है कि आपकी ब्रा का टाइम आ गया है कि आप उसे चेंज करें। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन 20% लेडीज़ में हैं जो एक करेक्ट ब्रा साइज़ पहनती हैं। लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एक राइट फिटिंग की ब्रा को सपोर्ट करता है 80% उसका बैंड, ना कि उसके स्ट्रैप। स्ट्रैप जो है हमें सिर्फ 20% सपोर्ट देते हैं, तो इसलिए हमारा बैंड साइज करेक्ट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी ब्रा के लिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्यूब ब्रा। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्यूब ब्रा में कोई भी स्ट्रैप नहीं होता है, लेकिन वो ब्रा बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग देती है हमारी बस्ट को। तो इसलिए आपको अपने बैंड साइज की क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छी ब्रा को खरीदते वक्त। आजकल मार्केट में ब्रांड्स की बहुत वैरायटी है और हर ब्रांड के साथ साइज चार्ट भी चेंज हो जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अलग अलग ब्रांड्स को ट्राई कर रही हैं तो किसी भी ब्रांड को ट्राई करने से पहले आप ज़रूर ट्राई करें एक सैम्पल ब्रा। ब्रा को खरीदने से पहले आपको ब्रा को फ्रंट, बैक और साइड एंगल से जरूर देखना चाहिए, वो बिल्कुल एक ही प्लेस पर आनी चाहिए आपकी बॉडी पर। ब्रा को खरीदते वक्त आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो ये आपकी टू फिंगर्स हैं ये हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरीके से आपकी ब्रा के अंदर जा सकें, जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये जो ब्रा है आपको कंफर्टेबल रहेगी सारा दिन। एक नई ब्रा को खरीदते वक्त आपकी बॉडी बिल्कुल भी वेट नहीं होनी चाहिए या उसके पर कोई भी स्वेट नहीं होना चाहिए, और जब भी आप उसके स्ट्रैप्स को एडजस्ट करें तो आपको हमेशा मिरर में देखते हुए स्ट्रैप्स को एडजस्ट करना चाहिए। जब भी आप नई ब्रा खरीदें तो हमेशा आपको उसे पहले हुक के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, जिससे कि जैसे जैसे धीरे धीरे ब्रा अपनी इलास्टिसिटी को लूज करे तो आप हुक को आगे बढ़ाते जाएं। आपको कभी भी लास्ट हुक के अकॉर्डिंग ब्रा को नहीं खरीदना है। अगर राइट मेजरमेंट की ब्रा पहनने के बाद भी आपको फील होता है कि आपकी ब्रा की फिटिंग ठीक नहीं है तो आप कप के साइज को चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन एक फंडामेंटल बात को आपको याद रखना है कि जब भी आप कप के साइज को माइनस करेंगे तो आपको बैंड के साइज को बढ़ाना है, यानी कि अगर आप पहनती हैं 34B तो अब आप कप साइज लेना चाहती हैं A तो आप बैंड साइज को बढ़ाएंगी, अब आपको लेना होगा 36A। इस वक्त मार्केट में जितनी वैरायटी है ब्रा के डिजाइंस में, मैं इस वीडियो को 1 आवर का बना सकती हूँ आपको ब्रा के डिजाइंस दिखाते वक्त, लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाली हूँ सिर्फ कुछ ऐसी ब्रा जो मस्ट हैव हैं। अगर आपके पास ऐसी ब्रा हो तो आपका जो वार्डरोब है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और आप किसी भी आउटफिट को कैरी कर सकती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस ब्रा की जिसे हम डेली वेयर में पहनना चाहते हैं और जो हमारे लिए अच्छी है डेली वेयर में पहननी। तो कुछ ऐसी ब्रा जो कि कॉटन मटेरियल में होती हैं और उनके कप में यहाँ पर वायर नहीं होता, वो बहुत अच्छी रहती हैं आपके डेली वेयर के लिए। ये ब्रा है ब्रांड जॉकी से, और जितनी भी ब्रा मैं आपको दिखाने वाली हूँ उन सब के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एक और ब्रा जो मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूंगी डेली वेयर के लिए, जिसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है ये मार्क्स एंड स्पेंसर की ब्रा। और ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ही लाइट पैड है, तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आता है कि निप्पल विजिबल हो जाता है, ये उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ये बहुत ही लाइट पैड है और आप इसको बहुत ही कंफर्टेबली पहन सकते हैं डेली वेयर में। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि इस किस्म की ब्रा बनाते हैं जो डेली यूज के लिए काफ़ी अच्छी हैं, उन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
सेकेंड मस्ट हैव ब्रा है ये पैडेड ब्रा, और इसमें यहाँ पर वायर भी है और ये पैडेड भी है, और आप इसे पुशअप पैडेड ब्रा भी कह सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी बस्ट को पुश करती है, यानी कि लिफ्ट भी करती है, और ये जो वायर है ये बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करता है आपकी बस्ट को। तो जब भी आप अपनी बॉडी में कर्व क्रिएट करना चाहते हैं, या जो लोग फ्लैट चेस्टेड हैं जिन्हें लगता है कि हमारा बस्ट साइज जो है कम है कंपैरेटिवली हमारे हिप साइज के, तो वो ऐसी ब्रा को यूज कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मली भी बहुत काम आती हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन ब्रा का इस्तेमाल आप सिर्फ तब करें जब आपको इन्हें 4 से 5 घंटे पहनना हो, क्योंकि कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि हमें वायर्ड ब्रा को बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं पहनना चाहिए। और नेक्स्ट ब्रा है ये ट्यूब ब्रा, ये मेरी लेटेस्ट परचेज है अमेज़न से। ट्यूब ब्रा आपको बहुत काम आती है जब भी आप कोई वाइड नेक लाइन पहनते हैं, या कोई ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें स्ट्रैप हो, या अगर आप कोई ट्यूब ड्रेस पहन रहे हैं, कोई ऐसा ब्लाउज पहन रहे हैं जो ऑफ शोल्डर्स है। इस ब्रा के साथ स्पेशली हमें 2 स्ट्रैप दिए गए हैं बैक में, एक ये ट्रांसपेरेंट है और एक फैब्रिक का जो है स्ट्रैप है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि पीछे से कुछ भी नजर ना आए तो आप ये पहन सकते हैं, और अगर आप कुछ ऐसा पहन रहे हैं जिसमें सिर्फ नेक लाइन ब्रॉड है तो आप खाली इसे इस तरीके से पहन सकते हैं। इसमें वैसे आप स्ट्रैप भी लगा सकते हैं, स्ट्रैप का ऑप्शन भी दिया होता है ट्यूब ब्रा में, लेकिन अगर ट्यूब ब्रा में आपको ये प्रॉब्लम आती है कि बैक से आपको लगता है कि आपकी ब्रा नजर आती है, तो आप यूज कर सकते हैं ऐसे स्टिक ऑन्स को, ये भी बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। मैंने भी इसको अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन मैं इससे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। इसको पहनने के बाद आपका जो बैक है वो बिल्कुल फ्री रहता है, तो आप कोई भी जो डीप नेकलाइन है बहुत आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी बस्ट के ऊपर स्टिक हो जाती है। तो सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इसको पहने आपकी बॉडी बिल्कुल भी वेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो ये स्टिक ऑन है ये अच्छे से स्टिक नहीं करेगा आपकी बस्ट के ऊपर। और वो लोग जो वर्कआउट करते हैं या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर आपकी बस्ट का मूवमेंट होता है, तो वहां ये बहुत जरूरी है कि आप स्पोर्ट्स ब्रा को यूज करें। आपको मार्केट में इस तरीके की स्पोर्ट्स ब्रा मिल जाएंगी जो आपकी बैक को भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं और आपकी बस्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड करती हैं। और नेक्स्ट है टी शर्ट ब्रा। वो लोग जो ज्यादातर वेस्टर्न पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, या अगर आप कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें आपकी ब्रा की लाइंस नजर आती हैं, यानी कि उसकी एंडिंग और बिगनिंग नजर आती है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं इस किस्म की टी-शर्ट्स ब्रा को। इसमें कोई भी सीम नहीं होती है, तो कुछ भी नजर नहीं आता है बाहर की तरफ से, कोई भी शेप नजर नहीं आती है, आउटलाइन नजर नहीं आती है। यहां तक कि मैं तो इसे अपने कुर्ता सेट के अंदर भी पहनना पसंद करती हूं, क्योंकि जितने भी हमारे कॉटन रेयन के कुर्ताज होते हैं उसके अंदर बहुत ही विजिबल हो जाती है हमारी ब्रा की लाइन। तो आप ऐसी ब्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके डेली वियर कुर्ता सेट में भी। और वो लोग जिनके नैरो शोल्डर्स हैं, यानी कि उनकी बॉडी के कंपैरेटिवली जो उनके शोल्डर्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है कि उनके ब्रा के स्ट्रैप जो हैं गिर जाते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस किस्म की ब्रा, जैसे हम हॉल्टर ब्रा कहते हैं, जिसका जो स्ट्रैप होगा वो गले के पास आएगा यहाँ पर पीछे, जिससे कि जो स्ट्रैप गिरने का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा आपका। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ इस किस्म की ब्रा में जिसका हॉल्टर नेक हो। और अब मैं बात करना चाहूंगी एक ऐसी ब्रा की, या एक ऐसी स्टेज की हमारी लाइफ में जहां हम अपने आप से बोलते हैं आई हेट ब्रा, तो उस सिचुएशन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ इस किस्म की स्पेगेटीज में। ये जो स्पेगेटीज हैं इसमें इनबिल्ट जो है ब्रा होती है, यानी कि पैड लगा हुआ होता है, अंदर ब्रा बनी हुई होती है, जहां पर आपको ब्रा पहनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, खासकर उस सिचुएशन में जब आप कुछ ऐसा गारमेंट पहन रहे हैं जहां पर पहले आपको पहनने पड़ती है ब्रा, उसके बाद पहननी पड़ती है एक स्लिप यानी कि समीज, और उसके बाद पहनना पड़ता है फाइनल गारमेंट, तो बहुत ज्यादा हो जाता है और बिल्कुल मन नहीं करता ऐसे कुर्तों को पहनने का जिसमें ऐसी सिचुएशन हो। तो वहां के लिए आप इन्वेस्ट कर सकती हैं इस किस्म की स्पेगेटीज में, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत मदद की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मैं अपनी ब्रा के साथ दूरी बढ़ाना चाहती हूं। तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं इनको लेने का भी, अगर आप नहीं है जिस दिन मूड में ब्रा को पहनने के।
आई होप ये वीडियो आपकी मदद करेगा एक राइट ब्रा को चूज करने में। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे एनकरेज करने के लिए कि मैं ऐसे और वीडियोज बनाऊं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।